हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे XT56E में टर्मिनल कनेक्शंस एंड डिप स्विच सेटिंग कैसे करते हैं। लाइन और न्यूट्रल पर हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। टाइमर को ऑन करने के लिए 4 और 5 हम एक्सटर्नल रीसेट बटन लगाएंगे। टाइम को रीसेट करने के लिए 5 और 12 पर हम एक्सटर्नल स्टार्ट बटन लगाएंगे। टाइम को स्टार्ट करने के लिए 8, 9, 10 हमारे रिले 1 के लिए है, 6, 7 और 11 रिले 2 के लिए है। यहाँ पे आपको 4 डिप स्विचेस दिए गए हैं और नीचे एरो दिया गया है ऑन डायरेक्शन के लिए। डिप स्विच 1 हमारा मोड सिलेक्शन के लिए है, 2, 3 और 4 टाइम रेंज सिलेक्शंस के लिए है। डिप स्विच 1 ऑफ डायरेक्शन मीन्स हमारा ऑन डिले मोड सिलेक्टेड है, और डिप स्विच 1 आपका ऑन डायरेक्शन मीन्स डाउन डायरेक्शन में है, मीन्स इंटरवल मोड है। यहाँ पे 2, 3 और 4 टाइम रेंज सिलेक्शन के लिए है। ऊपर दिए गए चार्ट के अकॉर्डिंग आप टाइम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स में। अभी हम देखेंगे टाइमर ऑन डिले और इंटरवल मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑन डिले मोड के लिए हम डिप स्विच 1 को ऑफ डायरेक्शन में रखेंगे, और टाइम रेंज सिलेक्ट करने के लिए हमने 999 सेकेंड्स में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए डिप स्विच 3 को ऑन डायरेक्शन में कर देते हैं। इसको हमने ऑन डायरेक्शन में कर लिया है, तो अभी हमारा ऑन डिले मोड और 999 सेकेंड सिलेक्ट हो गया है। अभी हम टाइम सेट करेंगे 10 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया है 10 सेकेंड। RST की प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम सेट हो जाएगा। अभी मैं पल्स दूंगी तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी 10 सेकेंड्स के बाद हमारा LED ग्लो करेगा, ऑन डिले मोड में है इसीलिए। 10 सेकेंड्स के बाद हमारा LED ग्लो कर रहा है और R का इंडिकेशन ऑन है। सिमिलरली इंटरवल मोड के लिए हमें डिप स्विच 1 को ऑन डायरेक्शन में ऑन करना है, और टाइम रेंज हमने 999 सेकेंड्स में सेट कर लिया है। यहाँ पे अभी हम टाइम सेट करेंगे। मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स कर देती हूँ। RST की प्रेस करने पर आपका टाइम सेट हो जाएगा। मैं पल्स देने के लिए स्टार्ट बटन ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, R का इंडिकेशन ऑन है और LED ग्लो कर रहा है। 10 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद आपका LED बंद हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया, LED बंद हो गया और R का इंडिकेशन भी ऑफ हो गया।